हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम डेट सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा जनवरी 2025 को, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। अब हम सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा जनवरी 2025 को, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में। आप इजीली सबसे पहले कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म को रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में अपलोड करना है, एप्लीकेशन फीस और कोर्स फीस करना है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ता है, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा मार्च अप्रैल 2025 होने वाला है। एप्लीकेशन फीस और कोर्स फीस आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बता दिया जाता है। एप्लीकेशन इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी भी आपको बाद में देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें, ₹1500 एप्लीकेशन फीस है, वो भी ऑनलाइन मोड के लिए। और आप इजीली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको नॉर्मली कोई भी मेथड के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो एप्लीकेशन फीस का। और एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन करते टाइम? क्लास 10+2 का मार्कशीट, आधार कार्ड, ID प्रूफ, पान कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल है तो आपको दिखाना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको बताना पड़ता है। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपको GEU के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। टॉप राइट साइड पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अपीयर होगा, वहां पे आपको सारी डिटेल को देना पड़ता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं स्पेसिफिक साइज ऑफ फॉर्मेट में। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। पेमेंट आपको पेमेंट करना रहेगा एप्लीकेशन फीस का। उसके बाद सेव एंड सबमिट करना है। उसके बाद आपको कोर्स का फीस पेमेंट करना है और कोर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इजीली तरीके से सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं ओवरव्यू के। इसका जो कॉलेज है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, एक तरह का डीम्ड यूनिवर्सिटी है। स्टेब्लिश ईयर 2008 को हुआ था। फॉर द कोर्स ऑफर करती है UG और PG के कोर्स ऑफर करती है। वेबसाइट है GEU.ac.in। कोर्स ऑफर करती है UG कोर्स में BSc, BTech, BPharm, BA, BCom, BCom ऑनर्स, BBA ऑनर्स, BA LLB, BBA LLB, BHM, BA आर्किटेक्चर, BDES, BCA, BJMC, BCA ऑनर्स, BFC, BVA, BSc इन नर्सिंग एक्सेट्रा। PG कोर्सिंग में जो है LLM, MJMC, MTech, MBA, MCom, MSc, MCA, MBF, MBA, MA एक्सेट्रा। एडमिशन डेट की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा जनवरी 2025 को। लास्ट डेट है मार्च अप्रैल। मेरिट लिस्ट में मार्च अप्रैल को आएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होगा अप्रैल 2025 से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बीटेक कोर्स के लिए आपको क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपका 60% मार्क्स आना चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसके बाद आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए JEE मेन का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फॉर BBA कोर्स के लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फॉर MTech कोर्स के लिए आपको BE/BTech का डिग्री होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो ही आप इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फॉर MBA कोर्स के लिए आपके पास बैचलर का डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जेट, कैट, मैट, सीमेट, एनमेट, कोई भी एक का आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के टाइम? 10-12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।